चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मुंबई की खबरों में। आइए देखते हैं मुंबई में क्या कुछ हो रहा है खास। 13वां आरके एक्सीलेंस अवार्ड समारोह 2017 की घोषणा रविवार 9 जुलाई 2017 को अंधेरी में की गई। इस मौके पर कई मशहूर हस्तियां यहां पर उपस्थित थी और सभी ने इस अवार्ड समारोह का स्वागत किया और साथ ही साथ बधाई भी दी। महेंद्र कुमार जी जो मतलब हमारे मुंबई के जाने माने डॉक्टर भी है और HIV हो, एड्स हो या दूसरे भी मतलब जो डिसीज है उनको पूरी मदद करने का काम मतलब उनके माध्यम से होते रहता है। और आज मतलब ये नेशनल अवार्ड का जो प्रोग्राम था वो नेशनल अवार्ड का प्रोग्राम यहाँ हुआ है और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि अलग अलग क्षेत्र में जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और गरीब लोगों को मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अवार्ड देने का ये प्रोग्राम आज यहाँ हुआ है। तो मैं हमारी जो भारत सरकार है नरेंद्र मोदी जी की जरूर मतलब ये जो संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है उनको पूरा सहयोग देने का काम हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हम करेंगे और यहाँ एक अच्छा आज का अवार्ड का प्रोग्राम हुआ। हाँ, तो मतलब वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्म दिवस है जो 31 अक्टूबर को आ रहा है, तो मतलब वहाँ जो डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी जो बहुत बड़ा प्रोग्राम रखने वाले हैं, शायद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया है, वो कोशिश करेंगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर मतलब उस कैंप में आए और वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला जो ये कैंप है इस कैंप में प्रधानमंत्री भी अगर आते तो बहुत अच्छी बात है और एक बहुत ही अच्छी सेवा करने का काम ये संस्था कर रही है, इसीलिए मैं इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ। स्वाभाविक तौर पर आरके एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड जो छत्तीसगढ़ के सुदूर गांव से एक प्रॉमिसिंग लीडर के रूप में मुझे दिया गया, उसके लिए मैं धर्मेंद्र जी को, उनकी इंटायर पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और स्वाभाविक तौर पर इससे मेरा वास्तविक जो मनोबल है वो निश्चित तौर पर मेरा बढ़ा है और जिस फील्ड पे वो काम कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे मैं सहयोगी बनूंगा और उनको मैं छत्तीसगढ़ में आमंत्रण भी किया हूँ कि आप आएँ और छत्तीसगढ़ में एड्स को जागरूकता को लेकर जो भी कार्यक्रम आप चलाएंगे उसमें हमारी पूरी टीम आपकी मदद करेगी। धन्यवाद। निश्चित तौर पर मैं डॉक्टर धर्मेंद्र को और इस संस्था को, आरके एक्सीलेंस इस संस्था को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिनकी इनकी मेहनत और एक बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। मैंने आज इनको इनवाइट किया है कि ये उत्तर प्रदेश में भी आवें और देश के हर कोने में ये बहुत अच्छा काम है। मेडिकल एड जो बहुत पीछे चल रहा है आज देश में और इनकी मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, इन्होंने इतना जिससे ये दिन दुनी रात चौगनी इनकी ख्याति बढ़े। हमारी बहुत शुभकामनाएं इस संस्था को है और हम पूरा सहयोग करेंगे। ये भारत का ये आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की तरफ से 13th आरके एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड था, ये उन लोगों को दिया गया जो कि आज आप लोगों ने देखा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का नाम गया। उन लोगों का स्पेशल सपोर्ट होने के कारण से आज हम लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, जो कि हम लोग इतने लाखों की तादाद में पेशेंट देखते हैं, करोड़ों की हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं और लाखों का करोड़ों का हम जो मेडिसिन देते हैं, तो कहीं ना कहीं अकेले किसी के बस की बात नहीं होती है, इसके लिए टीम की जरूरत लगती है। उन्हीं टीम में से एक इन लोग थे जिसके चलते इन लोगों के सपोर्ट से आज आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की टीम आज इतनी बड़ी मुकम्मल मेडिकल कैंप करने में और इतनी बड़े रूप से कार्य करने में अपने आप को सार्थक किए हुए। तो उन लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की टीम ने आज से 13 साल पहले ये डिसाइड की कि उन लोगों को जिनका एक सपोर्ट रहता है उनको इस मेडिकल कैंप में सपोर्ट करने वाले को और हमारी संस्था को सपोर्ट करने वाले को हर साल उनको एक अवार्ड के तरीके से उनको दे करके उनको और भी इनको बूस्टअप करने के लिए, एनकरेज करने के लिए उनको हमारा एक सालाना अवार्ड होता है जिसको आरके एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड बोलते हैं, जो ये 13वां अवार्ड था जिसमें तकरीबन 40 लोगों को अवार्ड दे करके और हमने उनकी हौसला अफजाई करने में एक बहुत बड़ा एक सम्मान। मेडिकल कैंप का कैसा है? मेडिकल कैंप अभी डॉक्टर साहब ने जो चालू किया है
कोई मेडिकल कैंप का कैसा, जो गौर गरीब है उनको कैसा है कि जो इलाज के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है, अभी MRI करना है, CT स्कैन करना है या आंखों का इलाज करना है तो पैसे नहीं रहते, लेकिन मेडिकल कैंप में क्या हो जाता है कि हर चीज़ के लिए वहाँ पे सुविधा हो जाती है। जिसका मेडिकल MRI करना है, आंखों का दिखाना, आंखों का इलाज करना है, कोई ऑपरेशन है, अगर कैसे भी सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई पर्ची लिख के देते हैं, लेकिन वहाँ जाओ दवाई मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे 15-15, 20-20 करोड़ की दवाई, अच्छी से अच्छी दवाई फ्री ऑफ में दे रहे हैं, तो एक लोगों को क्या लग रहा है कि अब चलो इलाज कहाँ ना कहाँ इलाज हो रहा है, यहाँ आने के बाद में कैसे 10 घंटे 12 घंटे यहाँ से सुबह 5 बजे 6 बजे चालू होता है, शाम के 7 बजे तक हो रहा है मेडिकल कैंप, तो हर इंसान को उसका ये मिल रहा है। अभी बड़े लोगों के पास कैसा चलो बड़ा पैसा है या, लेकिन जो गोर गरीब है उनके लिए जो दिक्कतें है तो ये मेडिकल कैंप के थ्रू उनकी सब जरूरतें पूरे हो जाती है। जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये मेडिकल कैंप्स की वजह से काफ़ी लोगों को और गरीबों को हेल्प हो रही है और उनको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इससे बेटर और कोई ये हो ही नहीं सकता। कार्यक्रम आप सब लोगों ने देखा कि बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था। कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं होता है, वो एक हिस्ट्री बन जाता है। इनका नाम है धर्मेंद्र, मेरा नाम है रविंद्र, जितेंद्र जी आके गए बराबर है। अब धर्मेंद्र, रविंद्र, जितेंद्र त्र जब से इकट्ठा आते तो 4 चांद लग जाते हैं। डॉक्टर अगला मैंने बताया क्या कि हमारे जो अगला कार्यक्रम है, पहले हम मंडला में 1 लाख पेशेंट हम देखने जा रहे हैं जो हमारे माननीय जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनके एरिया में, और इसके साथ साथ हम सूरत में 31 अक्टूबर को एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट देखने जा रहे हैं, जिसका हमने बुक का विमोचन किया। जो काम किया है यहाँ बहुत से 101 डायमंड थे, हीरे थे, शालीमार जिसको हम कहते हैं, इनको हम सब लोगों ने मिलकर ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक हस्ती है, ये सामाजिक सेवा को लेकर आगे बढ़ती है। मैं भी समाज सेवक हूँ, ये भी समाज सेवक है, और यहाँ आज काफ़ी समाज सेवक आए थे, जिन लोगों की बधाई, जिन लोगों की दुआ इन सब लोगों को मिलती है, वो लेकर आगे एक डेवलपमेंट बनती है। तो इनके जितने भी प्रोग्राम्स हो गए उन सबको आप सबकी तरफ से भी, हम सबकी तरफ से भी तहे दिल से बधाई है। दोस्तों मेरा नाम पम्मी मोटन है, मैं एक्ट्रेस हूँ और धर्मेंद्र जी को मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इस अच्छे मौके पर मैं यहाँ पहुँची, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनसे मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं चाहूँगी लाइफ टाइम जब तक मैं जीवन जुड़ी रहूँ, और जो ये इतना अच्छा इंडिया के लिए जो ये काम कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि मैं भी इनके NGO से जुड़ के काम करूँ। कांग्रेचुलेशन। और जब भी मैं फ्री रूप में जुड़ी हुई तो हूँ, लेकिन मैं इनको टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं जब भी फ्री रहूँ तो मैं भी इनके काम में इनका हाथ बढ़ाऊँ। थैंक यू धर्मेंद्र जी, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे समाज और सोसाइटी के लिए, आप जैसे इंसान भगवान सबको बनाए। इवेंट के बारे में तो यही है कि जिस तरह का धर्मेंद्र जी ने और हमारे ACP राज खतीब ने और पूरी टीम ने, हम सब इनके साथ हैं, जैसा ये हमेशा प्रोग्राम करते हैं और हमेशा करते रहें, और मौला उनको कामयाबी अता फरमाए, और हम तो गरीब नवाज की बारगाह में भी यही दुआ करते हैं कि जिस तरह से ये बीड़ा उठाया, जहां जहां मुल्क के अंदर जिस जिस स्टेट में हर गांव के अंदर इस तरह का कैंप लगाए जाए और लोगों को फैस मिलता है। मैं राशि वर्मा, आज धर्मेंद्र जी ने इतनी बड़ी एक अवार्ड फंक्शन रखा और जितनी भी एक मेडिक्लेम क्या उन्होंने क्या हुआ है मेडिकल आज की जो पॉलिसीज वगैरह हो गया, जगह जगह पे दवाइयाँ उन्होंने किया, जो मेडिकल कैंप लगाए वो बहुत बड़ी गर्व की बात है। उन्होंने इतनी मानवता, इतनी हमारी भारत की जो जनता है उनके लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, ये बहुत बड़प्पन है। आज की उन्होंने अवार्ड फंक्शन में ये दिखा दिया कि सभी लोग जोड़कर इस काम को आगे बढ़ाएं और धर्मेंद्र जी का साथ दें, और इस धर्मेंद्र को बहुत बहुत बधाई इस काम के लिए।